गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम लोकसभा चुनाव 2019। इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां उतनी तेज नहीं है जितनी सरगर्मियां पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हो रही हैं। वैसे अभी हाल ही में जिस तरह से मंगलवार को पाकिस्तान के सबसे बड़ा अमंगल साबित कर दिया हिंदुस्तान ने, वो साफ साबित कर रहा था कि हिंदुस्तान से अब पाकिस्तान को टक्कर लेने से पहले 50 बार सोचना पड़ेगा। तो वहीं फिलहाल अभी हमारे एक पायलट जो है वो पाकिस्तान की गिरफ्त में है, लेकिन उनके रिहाई की बातें भी अब जोरों शोरों से उठनी शुरू हो गई हैं। इसी बीच लोकसभा चुनाव को लेकर भी अभी सारी पार्टियां खामोश भी नहीं हैं, लेकिन वो इस तरह से राजनीति भी नहीं करना चाहती हैं कि सारी ज़मीन वो मोदी सरकार के लिए खुला छोड़ दें और वो कहीं से भी नज़र ना आए, और इसीलिए कहीं ना कहीं दबे सुर में वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं कि हम सरकार और वायुसेना का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ हैं, हम देश के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि लोकसभा चुनाव है तो ऐसे में बीजेपी को पूरी बाजी इस मामले पर नहीं मारने देंगे। अब इसी बीच जिस तरह से मोदी सरकार पीएम मोदी के लिए जिस तरह से देश के हर वासी का एक खुशी देखने को मिल रही है, देश का हर एक शख्स पीएम मोदी की कार्यशैली की तारीफ कर रहा है और हमारे शहीद जवानों को कहीं ना कहीं याद कर रहा है, और साथ ही साथ जिस तरह से हमारी वायुसेना ने कमाल कर दिखाया है उसके साहस को भी सलाम किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जिस तरह से पीएम मोदी के नाम का डंका फिर से बज रहा है, मुझे 2014 का वो दौर याद आ रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की नारे की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी, हर हर मोदी और घर घर मोदी, और जिस तरह से वही शायद गूंज अभी कम होती भी नजर आ रही थी, लेकिन अब वो गूंज लग रहा है और ज्यादा स्वरों में तेज उठ रही है, और ऐसे में पीएम मोदी ने इस एक्शन के तहत उन सभी नेताओं को भी अपना मुरीद बना लिया है जो उनकी कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाते रहते थे, और ऐसे में कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है, वक्त कब कैसा आ जाए किसी को पता नहीं होता है, और शायद वरुण गांधी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि उन्हें एक दिन नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी पड़ सकती है, और इसी साल जनवरी में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिससे पता चल गया था कि वो पीएम मोदी से बहुत नाखुश हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 1952 से लेकर 2019 तक देश के 100 उद्योगपतियों को जितना पैसा दिया गया है उस रकम का केवल 17% धनी केंद्र और राज्य सरकारों से किसानों को आर्थिक सहायता की राशि के तौर पर मिला है, और इससे ज़्यादा शर्मनाक आंकड़ा कुछ नहीं हो सकता है, और इंडिया डायलॉग कार्यक्रम में वरुण गांधी ने ये बातें बोली थी, यानी कि उन्होंने सीधे सीधे मोदी सरकार की कार्यशैली पर आरोप लगाया था कि आपने जो अमीर थे उनको और अमीर कर दिया, लेकिन गरीबों के लिए आपने कुछ भी नहीं सोचा है। ये वही वरुण गांधी, उनके तेवर अब बदले नजर आ रहे हैं, और उन्होंने जो बयान दिया है वो साफ साफ बयान कर रहा है कि सियासत क्या नहीं करा सकती है, और पीएम मोदी के इस एक्शन वाले प्लान ने जो उन्होंने एक्शन दिया एयर स्ट्राइक का, जो मंगलवार को उन्होंने पाकिस्तान में घुस कर वहां पर आतंकी कैंपों को निशाना बनाया, 200 से 300 आतंकियों को मार गिराया, और उसके बाद तरह से हमारे MiG-21 ने F-16 यानी पाकिस्तान के विमान को मार गिराया, तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि हिंदुस्तान अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कि इसी बीच में मैं अलग से बात बोलूंगी, लेकिन मैं इसकी मैं राजनीति नहीं चाहती हूँ, लेकिन सवाल पूरा मामला आ रहा है सामने तो बोलना तो लाजमी है, सवाल तो हर कोई पूछ रहा है, कोई दबे स्वर में पूछ रहा है, कोई बहुत ज्यादा खिलाफत में पूछ रहा है, कोई हुंकार के तरीके से पूछ रहा है, लेकिन सवाल तो अभी भी उठ रहा है कि इससे पहले भी हमारे जवान शहीद हुए हैं सीमा पर, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए थे उसके बाद भी कई जवान हमारे शहीद हुए, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खून क्यों नहीं खौला, उन्होंने क्यों नहीं उसी टाइम एक्शन ले लिया, अगर वो एक्शन उस वक्त ले लेते तो शायद आज हमें पुलवामा अटैक नहीं देखने को मिलता, लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो शायद पुलवामा अटैक होना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयर स्ट्राइक करवानी थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी वैश्विक स्तर पे एकदम तितर बितर हो गया है, लेकिन कुल मिलाकर पीएम मोदी पे फिलहाल अभी जनता जो है एक देवता को देख रही है, उनको एक अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर देख रही है, फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया खंगाल लीजिए हर जगह बस पीएम मोदी की तारीफें की जा रही हैं, हर कोई कह रहा है कि देश बहुत अच्छे शासन में है, बहुत से लोग कह रहे हैं वही शिवसेना है जिसने एक वक्त अपने सामना में पीएम मोदी की कार्यशैली को लेकर
लगातार बुराई की थी, वही शिवसेना गठबंधन में आने के बाद कहती है कि पीएम मोदी ने 56 इंच का सीना दिखा दिया है। सामना में लेख लिखती है शिवसेना की पीएम मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से कर दी, कि एक इंदिरा गांधी थी जिन्होंने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, और एक हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया है पाकिस्तान को लेकर। तो ऐसे में जिस तरह से देखिए, वही है ना, वक्त बदलता है, सियासत बदलती है, और फिर लोगों के चेहरे तक बदल जाते हैं और लोगों के बयान तक बदल जाते हैं। आज वही उद्धव ठाकरे आज बहुत पीएम मोदी की कार्यशैली के मुरीद हो रहे हैं, लेकिन एक बार तो पानी पी पी कर कोसते थे कि ऐसा है वैसा है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। राम मंदिर को लेकर उन्होंने लगातार सियासत की और बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया, लेकिन अब देखिए गठबंधन की दौड़ में ऐसे बंधे कि अब उन्हें गठबंधन इतना रास आ रहा है कि वो अब हर मामले पर बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल बात करते हैं वरुण गांधी को लेकर कि उन्होंने क्या कहा है। वरुण गांधी का ट्वीट सामने आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, वरुण गांधी ने कहा है कि मंगलवार के दिन को देशभक्तों के लिए अच्छा दिन है, अच्छा दिन कहा उन्होंने, और कहा कि मंगलवार का दिन देश के प्रति वफादारी और सेना के प्रति निष्ठा महसूस करने का है। आज हम व्यक्तिगत के बजाय एक सामूहिक शक्ति हैं, एक नागरिक के तौर पर मुझे सशस्त्र बलों पर गर्व है। साथ ही नरेंद्र मोदी पर अपने गर्व का इजहार किया और कहा कि हमारे सम्मान की रक्षा की है, जय हिंद। ये वरुण गांधी ने कहा है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मुझे सेना और नरेंद्र मोदी पर गर्व है। ये वरुण गांधी के बोल हैं, सोचिए वरुण गांधी हैं जिन्होंने अभी इसी साल बीती 7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठाया था अप्रत्यक्ष तौर पर, और इससे पहले भी ये उस खेमे के नेता कहे जाते हैं वरुण गांधी, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पीएम पद के लिए घोषित किया गया था, बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट किया गया था। उस वक्त आडवाणी सहित कई ऐसे नाम थे जो खफा थे पीएम मोदी से, उसमें वरुण गांधी भी कहे जाते हैं, और वरुण गांधी और पीएम मोदी के बीच में ज्यादा अच्छा संवाद नहीं होता है ये भी कहा जाता है। और 2017 में जो यूपी विधानसभा चुनाव हुए उसमें स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई गई, इसमें वरुण गांधी को भी शामिल किया गया, लेकिन वरुण गांधी एक भी क्षेत्र में प्रचार करने गए नहीं। और उससे बड़ी बात, इलाहाबाद में उनके नाम के पोस्टर लगे, कार्यकर्ताओं ने लगाए कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाए। इसके बाद भी लगातार वरुण गांधी के कुछ ऐसे स्टेटमेंट रहे हैं जिससे साफ साफ पता चलता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से हमने बदला लिया है, यानी कि पुलवामा बदला जो लिया है, उस पर वरुण गांधी का जो बोल नजर आ रहे हैं वो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने उन धुरंधर विरोधियों को भी अब अपना बना लिया है जो एक वक्त उनकी बहुत ज्यादा बुराइयां किया करते थे। शायद लोकसभा का भी असर हो सकता है क्योंकि वरुण गांधी से कहा जाता है कि पीएम मोदी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ऐसी भी कई खबरें सामने आती हैं कि वरुण गांधी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर फिलहाल पूरा जो एक सकारात्मकता जो पूरा बन एक दृष्टिकोण बन रहा है फिलहाल पीएम मोदी के पक्ष में पूरा बन गया है। अभी कुछ ही दिन पहले 14 फरवरी से पहले जब पुलवामा हमला पाकिस्तान ने किया था हमारे शहीद जवानों पर, और उसके बाद हमने अभी 26 फरवरी को उसका तेरही पे हमने जो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है, वो उसके पहले आप देखिए समा कितना बदला नजर आ रहा था पूरे देश का, हर कोई पीएम मोदी की आलोचना कर रहा था। आप अभी अगर अपने आसपास अभी वातावरण है और उससे पहले के वातावरण को जरा ऑब्जर्व करिएगा, अभी आप बोलेंगे तो कहेंगे पीएम मोदी के खिलाफ कुछ मत बोलना, बहुत अच्छे नेता, उन्होंने बहुत एक्शन लिया। लेकिन वही लोग थे जो एक वक्त अभी सिर्फ 14 फरवरी से पहले का आप अगर सोचेंगे तो उस वक्त वही लोग थे कि पीएम मोदी ने किया क्या है, कुछ तो किया नहीं है, ना उन्होंने रोजगार दिया है, ना उन्होंने कुछ महिलाओं के लिए इतना कुछ बेहतर किया है, वो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज हैं। सिर्फ विरोधी नहीं, ये जनता भी कह रही थी जमीन धरातल में कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, क्या है कुछ ऐसा नहीं, प्रवक्ता लगातार लड़ाइयाँ करते थे टीवी पर और डिबेट शो में हिस्सा लेते थे। तो वो परिदृश्य देखिए कितनी जल्दी बदल गया, पुलवामा अटैक और पुलवामा बदले के बाद आप सोचिए कितनी जल्दी पीएम मोदी ने हर किसी को अपने पक्ष में कर दिया। और अभी हाल ही में जैसे कि प्रयागराज में उन्होंने सफाई कर्मियों के पैर धो दिए, हालांकि उनका वोटिंग स्टंट ही कहा जाएगा क्योंकि सफाई कर्मी तो हर जगह हैं, आपने से हालांकि जिनके उन्होंने पैर धोए हैं कि वो लगातार वहां पर अर्धकुंभ में सफाई कर रहे हैं, उन्होंने स्वच्छता को बढ़ाने का काम किया है और पीएम मोदी हमेशा स्वच्छता पर जोर देते रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने सम्मान किया। और सफाई कर्मी भी खुद इस बात से बहुत खुश थे कि हमने तो सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पाँव धुलेंगे, सोचिए। तो सफाई कर्मी तो एक तरह से खुशी जता रहे हैं, कम से कम किसी ने कुछ तो किया उनके लिए जो सिर्फ बातें करते हैं, कम से कम पीएम मोदी ने एक संवैधानिक पद पर होते हुए उनके इतना सम्मान दे दिया, उनके इतना ही काफ़ी है।
खैर कुल मिलाकर अभी फिलहाल जो है पीएम मोदी ने जो पुलवामा बदला लिया है, जो वायुसेना को जो ताकत दी है, एक उन्होंने वायुसेना को जिस तरह से हाथ खोले हैं, उन्होंने खुद कहा था पुलवामा अटैक के बाद कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है, हमने खुली छूट दे दी है, आपके हाथ खुले हुए हैं, आपको जैसे वार करना है आप वैसे वार करिए पाकिस्तान पर। फिलहाल अभी ये मसला जो है शांत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कुल मिलाकर अब इस मामले ने राजनीतिक जो एक एक ठंडी पड़ गई थी पीएम मोदी की राजनीति, उसमें कहीं ना कहीं गर्माहट ला दी है, और कुल मिलाकर अब उन नेताओं को भी अपना मुरीद बनाना शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो एक वक्त उनकी बहुत बुराई किया करते थे। और इस वक्त आप अगर देखेंगे सोशल मीडिया में, फिर बार बार जोर दे रही हूँ, क्योंकि आप देखिए लगातार पीएम मोदी के पक्ष में माहौल बना हुआ है, और इसमें कोई शक नहीं है कि पीएम मोदी ने चुनाव होने से पहले ही चुनाव जीत लिया है, ऐसा भी लग रहा है। हालांकि चुनाव तो होंगे ही, चुनाव के बाद जनता अभी ये कहना बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दबाजी होगी, लेकिन कुल मिलाकर अभी जिस तरह से माहौल नज़र आ रहा है, पूरा पॉजिटिव जो नज़र आ रहा है बीजेपी के पक्ष में, वो साफ बयां कर रहा है कि फिलहाल पीएम मोदी ने चुनाव से पहले ही रण क्षेत्र विजय कर ली है। खैर देखते हैं अभी आगे और कितने नेता इस लिस्ट में वरुण गांधी के बाद जुड़ते हैं, जो पीएम मोदी के एक वक्त कद्दावर विरोधी हुआ करते थे और आज खुलकर पीएम मोदी का समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार।